लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एथलीट फुट की समस्या क्यों होती है, यानी ऐसा भी हम बोल रहे हैं पैरों में फंगल इन्फेक्शन की समस्या क्यों होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैरों की ऊपरी त्वचा पर होने वाले फंगस इन्फेक्शन को एथलीट फुट के नाम से जाना जाता है। इस समस्या से हर साल दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इस एथलीट फुट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह समस्या अधिकतर एथलीट के पैरों में देखने को मिलती है। इसको टीनिया पेडी और रिंग बॉर्म के नाम से भी पहचाना जाता है। दरअसल ट्राइकोफाइटन फंगस के कारण यह समस्या त्वचा में देखने को मिलती है। यह फंगस आमतौर पर फर्श और कपड़ों में पाया जाता है। इस समस्या में व्यक्ति को चलने में परेशानी होने लगती है। कई बार यह फंगस घाव बना देता है जिसकी वजह से व्यक्ति को दर्द हो सकता है। फिलहाल इसे डॉक्टर की कुछ दवाओं और एंटी फंगल क्रीम आदि से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। एथलीट फुट की समस्या क्यों होती है और इसका इलाज कैसे किया जाए तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले समझे आप एथलीट फुट होने के कारण क्या है। जब आप नंगे पैर रहते हैं तो ट्राइकोफाइटन फंगस के संपर्क में आने से आपके पैरों की त्वचा पर ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये संक्रामक होता है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे को फैल सकता है। ट्राइकोफाइटन फंगस कई जगह पर उपस्थित रहती है लेकिन जब आप पैरों को साफ और सूखा रखते हैं तो इनके पैरों और फैलने की संभावना कम होती है। जबकि गर्म और नमी वाली त्वचा पर ये फंगस तेजी से बढ़ती है। जब व्यक्ति मोटे जूतों को ज्यादा समय तक पहनते हैं तो उनके पैरों की उंगलियों में दबाव बनता है। ऐसे में गर्म और पसीने से नमी फैलने से फंगस बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। जब आप एथलीट फुट से संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं या उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए मोजे, जूते या कपड़ों का उपयोग करते हैं तो ऐसे में आपको भी एथलीट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति का चादर तौलिए में भी इस संक्रमण फैल सकता है। यह मुख्य रूप से स्विमिंग पूल से भी फैल सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उनको एथलीट फुट होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर को कम करने वाले रोग जैसे एथलीट और एचआईवी से पीड़ित लोगों को यह रोग होने का खतरा अधिक होता है। एथलीट फुट का इलाज कैसे किया जाता है। मरीज के फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए दवाएं देते हैं। इसके अलावा कई इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया है या इन्फेक्शन से त्वचा पर घाव बन गए हैं तो डॉक्टर दवाओं के साथ स्किन पर लगाने के लिए क्रीम भी देते हैं। कुछ बचाव उपाय अपनाने की सलाह भी देते हैं, जैसे पैरों को दो बार धोएं, बाहर जाते समय पैरों को कवर करें, गीले होने पर पैरों को अच्छी तरह से साफ कर सुखाएं, कुछ दिनों तक जूते ना पहनने की सलाह मैं आपको देता हूं, दूसरों के कपड़े शेयर ना करने की भी सलाह मैं आपको देता हूं। एथलीट फुट फंगस इन्फेक्शन की समस्या है जिसके शुरुआती लक्षणों को आप घर पर ठीक कर सकते हैं। पैरों की साफ सफाई का ध्यान रखें, पैरों की त्वचा पर हवा लगाते रहें। यदि समस्या अधिक हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। आप ध्यान रखें, आप जिन लोगों को पैर में जिनको डायबिटीज है उनके पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है डायबिटीज की वजह से या किसी दूसरे कारण से आपको हो जाता है तो वहां पे उंगली काटनी पड़ती है। धीरे धीरे घाव अगर बढ़ जाता है तो पैर भी काटना पड़ता है। इसलिए आप अपना केयर करें, अपना
आपको संभाल के रखें। अगर आप ज्यादा एज आपका है तो आपको 100% आपको अपना केयर करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।